जीवन में तुम चुनौतियां ही तो हैं, और क्या, और रिस्क है। मोदी जी कितना बड़ा रिस्क लिए, और तुम्हारे हिस्से का जलना कोई और कर ही नहीं सकता। बुलाओ, और तुम पापा पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो, और पापा यानी शक्ति। और बीच में हम जब सिगरेट पिएंगे तब तो हमारे मुंह पे मारिएगा। कुछ चीजें जीवन में समझ में आ गई, वही मैं तुम लोगों से बार बार कहता हूं। मैं पढ़ाने वाला ना थोड़ी चाहता हूं यार, ये सब तो किताब में लिखा है, जाओ पढ़ो। तो उसमें से एक चीज मैं समझा कि जितना जलोगे उतना निखरोगे, और तुम्हारे हिस्से का जलना कोई और कर ही नहीं सकता। नहीं, कम से कम तुम्हारे मां बाप तो कर ही लेते कि बेटा तुम मत जलो, हम तुम्हारे लिए जल लेते, लेकिन कोई कर ही नहीं सकता। अगर ऐसा कोई नियम होता तो बुद्ध अपनी जो उपलब्धि थी वो अपने बेटे को ट्रांसफर कर देते, है ही नहीं। अंबेडकर जले तो इतने महान बने, गांधी जले, पढ़ो ना इनकी बायोग्राफी। मैं तुमसे क्यों कहता हूं ऑटोबायोग्राफी पढ़ने के लिए, इसलिए थोड़ी कि उसके क्वेश्चन मेंस में आते हैं, इसलिए कहता हूं कि तुम जब भी किसी को पढ़ोगे तो एक बात तुम्हें पता चलेगी कि यह व्यक्ति जला, अपवाद है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। और जिनको तुम भोग करना चाहते हो एंजॉयमेंट, ये पैसे से होता ही नहीं, तो तुम नाहक में इसके पीछे भाग रहे हो। ये भोग होता है शक्ति से, पावर, और पैसा शक्ति का गुलाम है। यही तो हिंदू धर्म की सीख है, विष्णु शक्ति है और लक्ष्मी जी उनकी वाइफ है, यही तो कॉन्सेप्ट है। और कॉन्सेप्ट क्या है, तुम अगर लक्ष्मी जी के पीछे भागोगे तो वो अपने आदमी को थोड़ी छोड़ेंगी। मां 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 कहेंगी पहले पापा को बुलाओ, वो तो कहेंगी पहले पापा को बुलाओ, और तुम पापा पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो, और पापा यानी शक्ति। तो मां तुम्हारे घर आएगी, एकदम आएगी, लेकिन पहले पिता को तो बुलाओ, और पिता यानी शक्ति, और उस शक्ति के लिए तुम्हें जलना पड़ेगा। एक बता दो मुझे कोई आदमी, और फॉर्च्यूनर तुमने ले ली कि इसको भोगेंगे, इसका 1,00,000 रुपया महीना खर्चा है, ये तुमको भोगने लगेगी, ये भिखमंगा कर देगी। तुम इसको लिए तो थे दूसरों को दिखाने के लिए, कुछ दिन बाद तुम्हारा ही कपड़ा फटा है, लोग ही देखेंगे तुमको। इसीलिए धर्म का एक बड़ा सिद्धांत है अपारिग्रह। अपारिग्रह, किसी भी धर्म को देखोगे तो उसमें सिद्धांत है अपारिग्रह, किसी चीज का उपभोग करना है। तो शक्ति रहेगी तो फॉर्च्यूनर वाला तुम्हारे पास खुद ही आएगा कि दादा वो सीएम साहब से काम है, 5 मिनट आप चले चलते गाड़ी लेकर आए हैं, और वो पान खाते हम रास्ते में, वो गुड्डू है ना, ओए गुड्डू पीकदान लियो, हाँ ये दादा पीछे बैठेंगे, आप पीछे करके थूकते रहिएगा, और बीच में हम जब सिगरेट पिएंगे तब तो हमारे मुंह पे मारिएगा। और रास्ते में आधा घंटे के लिए रोक देना, मुझे पेड़ की पत्तियां गिननी होती है जहां मैं जाता हूं। दादा हम भी गिनेंगे आपके साथ, एक तरफ से आप गिनना, दूसरी तरफ से हम गिनेंगे, और गुड्डू गुड्डू भी गिनेंगे दादा। और क्या है जीवन, इसके सिवा कुछ है? तो पढ़ो ना यार मस्ती से। इस धरती पे चाहे भगवान पैदा हो चाहे इंसान, नियम सबके लिए बराबर है, सबको जलना पड़ता है। सबको, कोई भी हो, कोई रास्ता ही नहीं।
एम इज इक्वल टू एम, मेहनत इज इक्वल टू मस्ती। तो ये दाल की तरह और ये नमक की तरह दोनों होनी चाहिए, और ये दाल की तरह, जितनी दाल उतनी मेहनत और जितनी नमक उतनी मस्ती। कुछ लोग जितनी दाल है उतनी मस्ती कर रहे हैं, फिर रो रहे हैं भैया हमारी किस्मत फूटी है। अबे ये मत्था है कि लेटर पैड, अबे तुम्हारे यहां लिखा हुआ है। अपवाद कोई हुआ ही नहीं और ना तुम हो गए। मैं तो बहुत टॉपरों के साथ रहा हूं पिछले 15 साल से, उनके जीवनचर्या देखी, जीवन देखा, रोते हुए देखा, रोते हुए देखा। अब नहीं हो पाएगा, होगा, पता लगा रात में 2 बजे फोन कर दिया, सर बहुत बेचैनी हो रही है। अच्छा क्या हो रहा है? तो बेचैनी हो रही सर। तो कैसा फील कर रहे हो? अरे बेचैनी हो रही है। कहाँ बैठे हो? सर वो वहां बैठे IIT के पास बैठे हैं। तो पैदल चले आओ उन्नाव तक, और जहां रास्ते में खत्म हो जाएगी बता देना। पता लगा 6 किलोमीटर चले, बोले खत्म हो गई सर, तो वापस चले आओ, बैठ के पढ़ो। यही तो मानव है, सब तो हमको नहीं होती क्या? होती है। हमको डर नहीं लगता क्या? लगता है, सब मनुष्य हैं। उस चीज को तुम ओवरकम कैसे करते हो? और धीरे धीरे जब तुम ओवरकम करने लगते हो तो वो चीज खत्म हो जाती है तुम्हारे जीवन में। तो हम अगर किसी चीज को नहीं करेंगे ना तो अपने आप को दंड देंगे, और मेरा दंड इतना गंदा गंदा होता है कि मेरे घर के लोग टेंशन में आ जाते हैं। पैदल चले गए 40 किलोमीटर दोपहर में कि काम का क्यों नहीं किया। और जिन्होंने खुद को दंड देना सीख लिया उनको दुनिया में कोई दूसरा दंड, बहुत बड़ा नियम है ये, बहुत बड़ा, मतलब इससे बड़ा कोई नियम ही नहीं है। अब तुम इतने बड़ा होगा तुम्हें कौन मारेगा यार? क्यों मारे, क्यों डांटे? जीवन में तुम चुनौतियां ही तो हैं और क्या, और रिस्क है। मोदी जी कितना बड़ा रिस्क लिए, उस रिस्क, उस आदमी की जो रिस्क है ना उसकी कोई, उसका कोई तुलना नहीं है। मैं एक प्रधानमंत्री के रूप में भले उनके बहुत सारे कदमों से सहमत ना हूं, लेकिन मैं 2 चीजों का उनके हमेशा सम्मान करता हूं, लेकिन उनकी उपलब्धि का हमेशा। आप मेरा कोई भी वीडियो देखें मैं उनकी उपलब्धि का बड़ा सम्मान करता हूं, क्योंकि वो जहां से आए हैं उस जगह पर यह चीज का सपना देखना कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा वही बहुत बड़ी बात है। और बिना लोकसभा का इलेक्शन लड़े सीधे दिल्ली आए पार्लियामेंट, बोले लोकसभा, बोले बाद में देखेंगे। यहां लोग जिंदगी भर सपा बसपा कांग्रेस बीजेपी के पीछे कार्यकर्ता बने घूम रहे कि भैया वार्ड मेंबर का चुनाव लड़वा दो। उस पर वो नेता बोलता कि तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सोचा है, तुम 2 साल वेट करो, अच्छा सोचा है तुम्हारे लिए, कुछ बड़ा सोचा। तब तक तुम्हारी शुगर बीपी हाई हो गई, तुम 65 के हो गए, अब कहां लड़ोगे चुनाव? वो आदमी कभी लोकसभा गए जीता ही नहीं, सीधे पार्लियामेंट आया, पर शपथ लिया। ये सब व्यक्तित्व है, कितनी मजबूती से उस व्यक्तित्व का निर्माण हुआ होगा, कितना जला होगा आदमी, कितने टेम्परेचर में ना। आसान है, एक NCERT तैयार करने में तुम लोग की हालत खराब, एक और 1 अरब 50 करोड़ के देश में प्रधानमंत्री बनना सेकंड टर्म, तीसरे की तैयारी है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि 400 सीट आ रही 24 में, हम कह भैया हम मान ले रहे हैं, हमें कुछ कहना ही नहीं, 410 आ रही, नहीं 400 आई, हम तो अब 10 जोड़ के बता रहे हैं, 410 नहीं 10 ज्यादा बता रहे हो, 400 आ रही। कहते हैं ना किसी को बर्बाद करना है उसके सोचने की क्षमता मार दो, उसको काम करना छीन लो। पूंजीवाद एक नया नारा देता है कि पैसा कमा के आराम करो। पूंजीवाद का सिद्धांत देखो, कहता पैसा कमाओ खूब, पर एक बार तुम पैसा कमाने की रेस में चले गए फिर वापस कहां लौटोगे? स्टीव जॉब्स लौट पाया
जब तक उसे पता चलता कि मैं पागल हो चुका हूं तब उसे कैंसर हो गया। कहां भोग पाया वो? तुम भोगोगे शक्ति के बल पे, और शक्ति के अधीन है धन। पूंजीवाद ने तुमको क्या समझा दिया कि तुम भोगोगे धन के बल पे। स्टीव जॉब्स जब उसे याद आया कि मैंने इतना रुपया कमा लिया, मुझे इस धन को यूज करना चाहिए अपने ऊपर, तब उसको कैंसर हो गया। तब उसको कैंसर हो गया। इसलिए तो भारत के लोगों ने कभी पैसे पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनका सिद्धांत क्लियर था कि भोग होगा शक्ति के सिद्धांत पर। इसलिए तो शंकर जी लेवाइस की पैंट नहीं पहनेंगे, रेबैन का चश्मा नहीं लगाएंगे। शक्ति है, विश्वकर्मा को पकड़ लाए, महल बनाओ मेरी वाइफ के लिए। बोले सोना, बोले कुबेर पहुंचाएगा। कुबेर को बुला लिए। अब जिसका आदमी इतना ताकतवर है जो जहर पी ले, यहां तुम पेप्सी पी के पॉटी में बैठ जाते हो, चार पेप्सी पी ली, कह रहे भैया पेट बहुत अजीब सा फील हो रहा है, खराब है। और जिसका आदमी इतना ताकतवर है, जहर पी गया, तो वो औरत रहेगी अपने आदमी की पूजा करेगी। तो पश्चिम के लोगों ने हमसे कहा ये तुम्हारा रिलीजन बैकवर्ड, ये हमारा रिलीजन बैकवर्ड है, इसने हमें उल्टी सीधी चीजें सिखा दी। पैसा शक्ति के अधीन है, तुम शक्ति कर लो, पावर हैंड में जाते हैं अमेरिका, यूएस, लंदन, देखो तो बाबा जी आओ बैठो, ऐसे किया जाता है ऐसे। धन शक्ति के अधीन है, धन से भोग नहीं होता, भोग शक्ति से होता है। तो शक्ति होनी चाहिए, और शक्ति है तो धन कोई ना कोई दे ही जाएगा। लेकिन धन है तो शक्ति नहीं आएगी। वो गांधी बैठता चारपाई पे, जमनालाल बजाज जमीन पे बैठते हैं, भारत के पूंजीपति हैं। है तो शाहरुख खान के पास धन, बुला लिया मुकेश अंबानी ने कि हमारे गेस्टों को खाना खिलाओ, जी सदगुरु को बुला ले, सदगुरु को बुला के बोल दे बाबा जी आप हमारे गेस्टों को खाना खिलाओगे। अंबानी की औकात नहीं है, मुकेश अंबानी की औकात नहीं है, शक्ति है ना। पंडित रविशंकर को बुला ले, ये भी वहां जाएंगे तो हाथ जोड़ेंगे, बाबा जी पढ़ा, खुश रहो बच्चा, वो मंत्र बता दीजिए लक्ष्मी जी वाला। तो इसीलिए इस देश में बुद्ध की पूजा हुई, राम की पूजा हुई, त्याग करना जानते हैं, त्याग करके तपस्या करना जानते हैं, तपस्या करके और बड़ी चीज हासिल करना जानते हैं। पूंजीवाद ने मेमोरी कैप्सूल बनाए हैं, माइंड माइंड टैबलेट, बोले इससे मेमोरी बढ़ती है, इससे ताकत किससे बढ़ती है, कॉम्प्लान से। आई एम अ कॉम्प्लान बॉय। वो कॉम्प्लान बॉय का पैंट नीचे घुसा जा रहा है, वो उतार उठा ही नहीं पा रहा, बार बार ऐसे ऐसे कर रहा है, कॉकरोच देख रहा, बाथरूम में चिल्ला रहा है मम्मा मम्मा करके। वो देसी लड़का वॉशरूम में गया, कॉकरोच देखा, मारा एक हाथ खींच से, खेलते हुए कॉकरोच से आ गया, वो कभी कॉम्प्लेन पिया ही नहीं। तो तुम्हारे जो कॉन्सेप्ट है वो रिवर्स कर दिए गए, उसीलिए तुम परेशान हो गए, उलझ गए। अब तुम उनको फिर से उल्ट सीधा कर लो, शक्ति के पीछे पड़े हो, धन अपने आप आएगा। जय हिंद।